इसको कहते हैं प्रॉपर 5-स्टार कैंपिंग मोड। खुलने के बाद हमारा किचन कुछ ऐसा लगता है, अब ये मत बोलना पहला तो खराब होता ही है। खुशबू आ गई आपके राजमा चावल की यहाँ तक। देखो मैंने इनके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रखी है। तो भैया अब बारी है बर्तन धोने की। 10 साल से झेल रहा हूँ इसे मैं, 10 साल से। ये देखिए जी, ये देखिए दोनों भाई लोग मिल गए हैं और कितना खुशी खुशी हमारा स्वागत कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो। हमारे कपिल भाई ने सीधे कैमरा खोल दिया है बस। बिल्कुल, तो वही तो नेचुरल रिएक्शन होता है नोटिस करने का, बनावट ही नहीं होता उसमें कुछ। बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह लेके आए, लगा दी नीचे। पूरे रास्ते टच नहीं हुई, यहाँ पर आके इतनी तेज टच हुई ना, आपको आवाज आई होगी। इनको तो आप जानते होंगे, परिचय की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हिमाचली कपल अल्टो में इन्होंने ऐसे ऐसे एडवेंचर कर दिए भाई साहब, इनका चैनल देखना आप जाके मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी इनका छोटा सा और कितना सुंदर सेटअप है यहाँ पर। और भाभी क्या बना रहे हो आज? आज राजमा, राजमा चावल। क्या बात है जी। और इस गाड़ी ने भैया तूफान मचा के रख रखा है। देखते होंगे कि यार आप लोग वीडियो इनके, बहुत सही बहुत सही। असली जो कैंपिंग की लोकेशन है ना, आपने ढूंढी है? या, वो तो है। तो दोस्तों कैसी लगी जगह? ये तो अभी शुरुआत है, आगे जो ये वैली बता रहे हैं जय वैली, वो तो भाई साहब कह रहे जन्नत है, मतलब स्वर्ग है एकदम। तो फटाफट यहाँ पे हमारा लंच बनाते हैं और उसके बाद यही पे ब्लॉग को एंड करेंगे। इसके आगे का ब्लॉग आपको दूसरा देखने को मिलेगा, एक स्पेशल ब्लॉग जो कि कल मैंने आपको बताया था। तो क्या बनाने वाले हो? अभी हम बनाएंगे हल्का हल्का हल्का, ठीक है हल्का बनाते हैं, हम बनाते हैं उत्तपम चाट। और ये देखो ये आते खुरापातियों में लग गया और खेलने लग गया इसको, देखो। चले जी चलिए, और ये खुल गया आप चिक्की जी का किचन। कुछ नहीं गिरा आज, कुछ नहीं गिरा आज, रिकॉर्ड टूट गया गाइस। तो चलिए जी फटाफट किचन खोलते हैं और बनाते हैं उत्तपम, उत्तपम चाट। चाट कैसी होती है भैया अपने को नहीं पता, देखते जाइए। तो देखिए दोस्तों खुलने के बाद हमारा किचन कुछ ऐसा लगता है। इसके अंदर छाछ मतलब बटर मिल्क है, ये हमारा ऑयल की शीशी हो गई, हम शीशी के अंदर ही रखते हैं। हमने हर तरह का जार यूज करके देख लिया, निकल ही जाता है इसके अंदर, एकदम सील पैक रह जाता है। और ये देखिए जी हमारा पिटारा, इसमें हम सारे बर्तन रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको नॉलेज में डाल दें ताकि आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट ना रहे। और इसमें हम सारे मसाले रखते हैं और इनको तो आप जानते ही हो, द शेफ। तो उत्पम के लिए जो सबसे पहला काम है वो क्या है? सूजी, सूजी को घोलना। और कैसे घोलेंगे वो भी आपको हमारी मैडम बता देगी। और इसमें बन गई होगी गैस, आज नहीं बनी। आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में उत्तराखंड में भाई साहब रॉकेट बन गई थी पूरी रॉकेट, और मम्मी इतनी ज्यादा डर गई थी, बोले ये क्या हो गया। और ये गई जी इसके अंदर छाछ। तो दोस्तों देखिए हमने सूजी लिए, उसके ऊपर ये छाछ बटर मिल्क जिसे बोलते हैं ये डाल दिए। अब इसको धीरे धीरे एक ही साइड में फेंटना है। और ये गया जी इसमें नमक, इसमें ज्यादा कुछ मसाला नहीं डलता जहां तक मुझे पता है ना। और ये गई जी इसमें थोड़ी बहुत पिसी हुई काली मिर्ची। तो क्या क्या डल गया मैडम अभी तक इसमें? इसमें हमने डाला है नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्ची और थोड़ी सी करी लीव्स डाली, और थोड़ी सी करी लीव्स हो गई। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ फ्लेवर में तो खैर होता ही है, फर्क होता है, काफी अच्छा लगता है। और बाकी एक बार वापस से व्यू दिखा दूं भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया, राज भाई जो हमारे साथ अजमेर से चले थे यार, बीच रास्ते में मतलब वो वापस रिटर्न हो गए, उनका बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम आ गया, कुछ ऑफिशियल वर्क। एक्चुअली क्या है वो गवर्नमेंट जॉब में है और पार्ट टाइम में हमारी तरह ट्रेवल करना पसंद करते हैं। सबका इतना मन उदास हुआ, लेकिन क्या करे काम पहले है, इमरजेंसी सबके साथ हो सकती है। तो उनको आपको नेक्स्ट सीरीज में, हम नेक्स्ट वीडियो में कभी ट्रिप में लेंगे साथ में। तो फिलहाल तो अब हम तीन गाड़ियां ही, पहले जो चार गाड़ियां थी अब तीन रहेगी, सागर भाई की, दीपक भाई की और एक हमारी। तो चलिए उत्पम एंजॉय करते हैं बनाना, उसके बाद खाना, और उसके बाद चलते हैं आगे जय वैली की तरफ। और क्या डाला इसमें? हमने डाला है थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा, और ये मुझे यहाँ पे कसूरी मेथी भी दिख रही है। अब वो थोड़ा सा हाँ, सही है बेटा सही है।
और पाइप का असली यूज कैसे लेते हैं दोनों बच्चों से सीखो, एक ने डाइनिंग टेबल बना लिया, एक ने बाथ टब बना लिया इसका। अरे मैं खुद का बाथ टब उधर पड़ा है। अच्छा ऐसा क्या? लाल वाला। और शिवाय यहाँ पर नमकीन उड़ा रहा है, नमकीन का फुल शौकीन नहीं है, समझिए वो आप मजाक कर रहे हो, सीरियस बोलते ना दिल पे ले लेता वो। यहाँ पे आ गई हमारी सब्जियां। आ गई या लाई गई है? वहाँ से लाई गई है ना। ये यहाँ से उड़कर यहाँ तक आई गई है। तो इसमें आपको एक शॉर्टकट चीज बता दूं मैं। शॉर्टकट चीज तो क्या है, मतलब ये हो गया अपने पत्ते वाले प्याज, स्प्रिंग ऑनियन हो गए, टमाटर हो गया, नॉर्मल प्याज हो गया, हरी मिर्ची हो गई, मिर्ची ज्यादा मत डालना बच्चे भी खाएंगे। अरे भाभी जी खुशबू आ गई आपके राजमा चावल की यहाँ तक। सच में आ गए, झूठी तारीफ नहीं है। कुकर खोलते ही शानदार वाली हाथ चल रहे जो देखो इनके, मतलब इससे बहुत काम आसान हो जाता है। 150-200 रुपए का आता है गाइस, वैसे तो बहुत कॉमन चीज है आप सभी के घरों में होगा। ये तो हमारा पूरा पहाड़ी है, बचपन से पहाड़ी है, मतलब इसको कह सकते हैं ये 1 साल का था जब से घूम रहा है पहाड़ों में, तो ये इसको तो कह सकते हैं बचपन से पहाड़ी है। हम आधे पहाड़ी है। हाँ सिसु वाटरफॉल का ट्रैक कर लिया, केवल 100 मीटर के लिए गोदी में आया था, बाकी पूरा ट्रैक अकेले ने कर लिया इसने। देखिए जी खाना बनाने और मेहमान आना स्टार्ट हो गए। ये देखिए जी पूरा ग्रुप आ गया भेड़ो का। कोई नहीं जी इनकी जगह है भाई, जगह तो इनकी है, मेहमान तो अपन है। तो इसमें हमने मटर डाला है, नॉर्मल प्याज डाले, पत्ते वाले स्प्रिंग ऑनियन डाले और टमाटर डाले, तो ये हो जाएगा ऊपर लेयरिंग के लिए। और इसका बैटर तो आपको दिखाई दिया हमने उत्पम का। तो फाइनली हमारा निकल चुका है, ये खाओ पियो ऐश करो। ये गया जी पहला, अब ये मत बोलना पहला तो खराब होता ही है, तुम औरतों का है ना, मैं बहाना जानता हूँ। तो गाइस ये चीज जरूर बताना आप लोग भी, अगर आपके घर में भी होता है तो, कि किन किन के घरों में ऐसा होता है कि औरतें बोलती है पहली चीज तो खराब होती ही है, चाहे रोटी हो चाहे डोसा हो चाहे उत्पम हो। देखिए अब बैटर लगाने के बाद में हम डाल रहे हैं इस पे सारे सब्जियां, थोड़ी थोड़ी स्टफिंग चलती है ना। ये देसी साउथ इंडियन पिज्जा हो गया कुल मिला के अपने, है ना, पिज्जा ही हो गया। बच्चों को तो हम पिज्जा बोल के खिलाते हैं तो शौक से खा लेते हैं वो पूरा। तो ये जी इसको 2 मिनट के लिए ढक दो, ऐसा पूरा गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, मतलब बहुत फ्लफी फ्लफी सा हो जाएगा ये। और ये दे दीजिए इसको पलटी, देखिए पूरा ब्रेड की तरह हो चुका है ये देखिए आप। और ये देखिए जी पलटने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है। अब इस पे हम थोड़ी सी कलाकारी करेंगे, क्या करेंगे जान गए होंगे आप, मैं हर चीज में थोड़ा बहुत मैगी मसाला मिलाता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, इससे बहुत प्यारा टेक्सचर आ जाता है यार। ये गया जी इस पे थोड़ा सा मैगी का मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, एक अलग टेक्सचर आएगा इससे। अब हम इसे चाट क्यों बोलेंगे उसे हम बताते हैं। बताइए मैडम बताइए। ठीक है तो ये गई जी इसमें इमली की चटनी और ये आ गया ऊपर से टोमेटो सॉस, क्या बात है भाई मजा आ गया। अब इसमें डलेगा क्या? चाट बनाने के लिए। ये बोल दे सीधा सीधा इंदौरी उत्पम बनाया मैंने। टेंटन है। तो ये पहला हमारा उत्पम गया सागर भाई के पास। ये उत्पम कम और पिज्जा ज्यादा लग रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये इंदौरी पिज्जा उत्पम है। ये पिज्जा उत्पम बना दिया। चलो टेस्ट करो और बताओ, और अच्छा लगे तो और ले लेना ठीक है। हाँ भाई चिक्की जी मिशन सक्सेस, इसको कहते हैं प्रॉपर 5-स्टार कैंपिंग मोड भाई, हमारी नजर में तो 5-स्टार कैंपिंग इसे कहते हैं। और यहाँ पर आ गया जी कहानी में ट्विस्ट, क्या बना रहे हो? और सूप, टोमेटो सूप है। वैली को देखिए। हम तो आपको देख रहे हैं मैडम। अच्छा। आप मौसम और वैली को देखिए। और इस बार देखो भाभी और भैया के लिए, दीपक भैया के लिए थोड़ा जुड़वा बना दिए, हाय हाय इसमें हरियाली ज्यादा दिख रही है वैसे एक वाले में। लो जी दीपक भैया। तो दोस्तों आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है भैया साथ वालों को पूछते नहीं हो, आज दिखा के पूछ रहे हैं आपको, पूछते तो हमेशा है, खिलाते भी है। सागर भाई आपको हर बार खिलाया नहीं खिलाया, सबूत है। देखो मैंने इनके कनपट्टी में बंदूक नहीं रख रखी है ये उनका यार, मतलब हद होती है यार, हम परायों को पूछ रहे थे ये तो अपने हो गए यार। देखिए वो इसलिए नहीं दिखाते हैं हर बार क्योंकि सबके वीडियो सेम हो जाते हैं, सबको अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो आज हमने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया कि हम सबसे मिल बांट कर ही खाते हैं आपस में। अभी देखो भाभी ने राजमा चावल बनाया, वो भी इधर आएगी। नहीं नहीं वो गोल गोल होते हैं। अपे ही तो होते हैं इडली।
दाल बाटी, दाल बाटी। अरे वो तो हमारा भाई साहब फेवरेट है, बद्रीनाथ वाला। तो भाई साहब एक्सपीरियंस क्या था यार? मैं एक्चुअली क्या गाइस, थोड़ा ऊबड़ काबड़ है ना, मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ यार, इतनी कितनी कम हाइट हो गई चक्की की। 10 साल तो नहीं हुए, 9 साल, हाँ 10वां साल चल रहा है। हमें साथ में रहते रहते सोचो 10 साल से झेल रहा हूँ इसे मैं, 10 साल से, 10 साल हो गए साहब। सही है, बच्चों को झेलना आसान काम नहीं है भैया। तो कैसे लग रही है हमारी कैंपिंग भाई? इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। सबका देखिए अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, होटल से पैक करा के ले आओ खाना। मतलब देखो मैं उनकी भी फीलिंग से कदर करता हूँ, मैं उन्हें गलत नहीं बोलता हूँ, ऐसा शौक होता है जिसको होता है। लेकिन भैया जो करता है ना एक बार, उसको पता होता है क्या चीज है ये। बहुत ही अच्छा बनाया गाइस, सच में बहुत अच्छा बनाया। खाने को लेकर तो अभी तक हमारा एक बार भी खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा, जैसा कि आपने देखा हो, कुछ तो आपको देखने से भी पता चले जाता है। और एक तरह से एक परिवार बन जाता हम लोगों का, जो ग्रुप बना ना, मतलब आज के 6 महीने पहले तक कोई किसी को नहीं जानता था, धीरे धीरे मिलता जाता है, कारवा बढ़ता जाता है, वो वाली कहावत है ना, तो वही चीज यहाँ पर है। और आज देखिए साथ में बैठ के खा रहे हैं। लो जी अब राजमा चावल का भोग लग रहा है, जिसे भाभी ने और दीपक भाई ने मिलके कराया या अकेलों ने तैयार करा है? हाँ फिर ठीक है, देखो क्रेडिट देना अलग चीज होती है। ये भाई झूठ है। मैंने चावल तो मैंने रखे थे, चावल मैंने बनाए। अच्छा चलिए जी, भैया और भाभी के हाथ का दोनों का प्यार दिख रहा है इसके अंदर, और सच बता रहा हूँ मजा आ रहा है ऐसी वादियों में बर्फ के पहाड़ को देखते हुए राजमा चावल खाने का। अगर दीपक भाई फोर्स नहीं करते ना, बोलते नहीं ना कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो जगह, इन्होंने एक वीडियो बना के भेजा था, उस वीडियो के बाद मेरा मन कर रहा है यार चलते हैं यार, जो होगा देखी जाएगी। तो भैया अब बारी है बर्तन धोने की। देखिए सब काम जरूरी होते हैं, जैसे घर पे करते हैं वैसे यहाँ पे करते हैं, जब घर ही हमारा यहाँ पर उठा के लेकर आ गए। और इसी के साथ साथ ये गर्मा गर्म टोमेटो सूप देखिए, थोड़ा चेरी के लिए बनाया था तो मैंने बोला ज्यादा बना देना यार, मुझे बहुत पसंद है। हाय 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 हाय, भगवान भला करेगा चिक्की तेरा। तो गाइस होप करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। भाई मजा आ गया चिक्की, सच बता रहा हूँ। एक राज भाई की कमी रह गई, वो होते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। देखो फैमिली फैमिली होती है, एक अटैचमेंट बन जाता है। शिवाय बोल रहा था कि मैं भी बोलूंगा, थोड़े दिन बाद यही ब्लॉगिंग करेगा, देख लेना। सब्सक्राइब जरूर मार लेना, आप वीडियो को देखते भी हो, पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। भाई के चैनल को और चिक्की मैडम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं जय वैली के लिए, जे या जय मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, JAI, अब आप खुद कर लेना आपके हिसाब से। कह रहे भाई सबसे खूबसूरत जगह है, बहुत ही कम यूट्यूबर्स वहां तक पहुंच पाए हैं अभी तक, या मतलब बहुत ही कम यूट्यूबर ने ऐसा कह सकते हैं एक्सप्लोर की है। आज की कैंपिंग भाई स्पेशल होने वाली है, क्यों? बने रहिए हमारे साथ में, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले खूबसूरत सफर पर, धन्यवाद। आने दो, हमारा शिवाय बोल रहा है सागर भाई को आने दो, बोले आवाज आ जाएगी तो पता चल जाएगा। और हमेशा की तरह देख लीजिए, हमने सारा कचरा हमने जो फैलाया था वो इसमें डाल दिया है। और वैसे हमसे पहले जो लोग बाग आए हुए थे देखो उन्होंने क्या हालत कर रखी है, भाई ऐसा ना करा करें। और भी मुझे दूर दूर तक देखिए वो बोतल्स वगैरह दिख रही है प्लास्टिक की, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। अपना कचरा अपने साथ लेके जाइए, आगे डस्टबिन मिलते हैं आप उसमें फेंक सकते हैं।